मेरठ में बागपत बाईपास क्रॉसिंग राष्ट्रीय राजमार्ग 58 स्थित MIET में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ MIET के चेयरमैन विष्णु शरण, वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल, डायरेक्टर अरुण पर्वते, डीन एकेडमिक DG जी शास्त्री, मुख्य अतिथि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूजा शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सीमा मलिक, एक्सिस बैंक प्रदीप शर्मा, पिनकशी फाउंडेशन से मीनाक्षी राणा, सीमा पवार, पूनम राणा, MIET वुमेन सेल की अध्यक्ष प्रोफेसर बलविंदर बेदी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सोनल अहलावत, गरिमा अग्रवाल, डॉक्टर आशिमा कथूरिया ने दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती वंदना से किया। मुख्य अतिथि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूजा शर्मा ने कहा कि जब तक हम पीरियड्स को एक सामान्य और बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं मानेंगे, तब तक अपने समाज से ऐसी रूढ़ियों को दूर करना संभव नहीं है जिनमें महिलाओं को पीरियड्स के दौरान उपयोग किए जाने वाले कपड़े भी अंधेरे में धोने होते हैं ताकि कोई उन्हें ऐसा करते हुए देख न ले। यहाँ तक कि महिलाएं इन कपड़ों को सुखाती भी साड़ी और दुपट्टे के नीचे हैं ताकि उन पर किसी की नजर न पड़े। सोच से जुड़ी सब सामाजिक दिक्कतें महिलाओं की सेहत को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। कई बार तो उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि उनके कंसीव ना कर पाने यानी माँ ना बन पाने का कारण पीरियड्स के दौरान उचित सफाई और हाइजीन का अभाव है। पीरियड्स के दौरान होने वाला इन्फेक्शन कभी कभी इतना गंभीर हो जाता है कि यूट्रस यानी बच्चेदानी तक फैल जाता है। इस दौरान CFO स्वाति गोयल, MIET वुमेन सेल की अध्यक्ष प्रोफेसर बलविंदर बेदी, निधि चौधरी, कविता चौधरी, आशिमा कथूरिया, गरिमा अग्रवाल, निधि गुलाटी, श्वेता शुक्ला और प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर सोनल अहलावत उपस्थित रहे। देखिए, पूरे संसार में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि एक दिन ऐसा हो जिसपे हम स्वास्थ्य पर चर्चा करें, हम ये चर्चा करें कि जो हमारा जीवन चल रहा है, दिन चल रहा है, वो स्वस्थ है, मतलब स्वस्थ अपने स्वास्थ्य के लिए सही है या अथवा नहीं सही है। इस उपलक्ष्य में हम लोग प्राइवेट में या हम गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत सारे हेल्थ कैंप्स लगाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं, लेकिन मैं बहुत हर्ष के साथ बताना चाहती हूँ कि ये डे इतना व्यापक हो गया है कि और कॉलेजेस जो स्वास्थ्य से संबंधित भी नहीं है, जैसे MIET कॉलेज में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, गोष्ठी करी गई आज, जिसमें पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी, और हमारे बहुत सारे मीडिया के लोग भी हैं जो यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें इस पर चर्चा हुई है। ख़ास तौर से महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा चर्चा हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने इस वर्कशॉप में हमारे गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे काउंसलर्स भी हैं, और पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से भी कई सारे लोग आए हुए हैं। सीमा पवार जी आई हैं, मीनाक्षी राणा जी आई हैं, सब ने चर्चा करी किस तरह हम लोग यंग गर्ल्स को समझाना चाह रहे थे कि हम लोग स्वस्थ कैसे रहें और क्या कारण है जिसके कारण हम लोगों को कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी इस बात पे भी चर्चा हुई कि हमें अपने आप में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, जो हमारी समस्याएं हैं उसको आगे चल के बोलना चाहिए। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, यंग गर्ल्स की बात करते हैं, तो जो मेंस्ट्रुएशन से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो टैबू है, जिस पर चर्चा वो नहीं करते हैं, तो उनको हमने समझाया कि कितना आसान है चर्चा करना, और चर्चा करके समाधान ढूंढना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया गया है, हमारा हर दिन हेल्थ के प्रति जागरूकता लाना चाहिए, हमें होना चाहिए, लेकिन आज दिन इसलिए मनाया गया है जिससे कि एक दिन ऐसा हो जिसमें हम सभी बातों पे डिस्कस कर सकें और उसको अपने लाइफस्टाइल में ला सकें।